नमस्कार दोस्तों, गिलवा नाई के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है विजुअल एक्यूटी, यानी कि नज़र की जांच। दोस्तों, नज़र की जांच कैसे करते हैं, कंप्लीट विजुअल एक्यूटी के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये चार्ट होता है जिससे हम आई सेट चेक करते हैं। कुछ लोग सिर्फ 6x6 से लेकर और 6x60 तक की जांच बताते हैं, लेकिन दोस्तों मैं उससे आगे के स्टेप्स आपको क्लियर करूंगा कि 6x60 से अगर किसी का विज़न कम हो तो उसकी जांच कैसे करते हैं, वहां पे फिंगर काउंटिंग कैसे करते हैं, हैंड मूवमेंट कैसे चेक करते हैं और प्रोजेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट कैसे चेक करते हैं। दोस्तों, तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया ध्यान से देखेंगे। तो विजुअल एक्यूटी, कंप्लीट विजुअल एक्यूटी क्या होती है? दोस्तों, 6 मीटर की दूरी पे चार्ट रखा जाता है और पेशेंट इससे 6 मीटर की दूरी पे या 20 फीट की दूरी पे खड़ा किया जाता है और एक आई को कवर करते हैं। एक आई को कवर करने के बाद अगर पेशेंट ये लाइन पढ़ लेता है तो दोस्तों उसका उस आई का विज़न 6x6 होता है, और जो पेशेंट इस लाइन को नहीं पढ़ पाता और यहाँ तक पढ़ पाता है तो उसका विज़न 6x9 होता है, और दोस्तों ये लाइन भी नहीं पढ़ पाता है और ये लाइन तक पढ़ पाता है तो उसका विज़न दोस्तों 6x12 होता है, और ये लाइन नहीं पढ़ पाता दोस्तों तो यहाँ तक पढ़ पाता है तो उसका विज़न 6x18 होता है, और दोस्तों ये भी नहीं पढ़ पाता है सिर्फ यहाँ तक पढ़ पाता है तो उसका विज़न 6x24 होता है, और दोस्तों ये भी नहीं पढ़ पाए और सिर्फ ये यहाँ तक पढ़ पाए तो उसका विज़न 6x36 होता है, और दोस्तों सिर्फ ए की लेटर ऊपर वाला ए पढ़ पाए सिर्फ 6 मीटर डिस्टेंस से तो दोस्तों उसका विज़न 6x60 होता है। और दोस्तों हम आगे चर्चा करेंगे अगर किसी का विज़न 6x60 ना हो तो उसका विज़न रिकॉर्ड कैसे करेंगे। दोस्तों, जो पेशेंट ए भी नहीं पढ़ पाए 6 मीटर डिस्टेंस से तो उसका एक्यूरेट विज़न हम कैसे चेक करेंगे? पेशेंट का डिस्टेंस कम करेंगे, पेशेंट को हम 5 मीटर पर खड़ा करेंगे, और अगर 5 मीटर से सिर्फ ये ए पढ़ पाता है तो उसका विज़न हम नोट करेंगे 5x60, और दोस्तों 5 मीटर डिस्टेंस से भी ये नहीं पढ़ पाता फिर पेशेंट को हम 4 मीटर डिस्टेंस पे लाएंगे, और 4 मीटर से अगर वो ए पढ़ पाता है तो उसका विज़न होगा 4x60। ऐसे ही दोस्तों फिर उसको 3 मीटर पे लाएंगे और 3 मीटर से अगर वो ए पढ़ पाता है तो उसको 3x60 नोट करेंगे। उसके बाद दोस्तों 3 मीटर से भी दिखाई नहीं ना दे ये लेटर तो उसको 2 मीटर पर लाएंगे, 2 मीटर से अगर ये पढ़ पाता है तो दोस्तों 2x60 इसको नोट करेंगे, और दोस्तों उसके बाद अगर 2 मीटर से ना पढ़ पाए उसकी विजुअल एक्यूटी कैसे चेक करते हैं उसके लिए हम फिंगर काउंटिंग चेक करेंगे दोस्तों, तभी उसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। दोस्तों, जिस पेशेंट का विज़न 2x60 से कम हो तो उसके लिए हम फिर फिंगर काउंटिंग चेक करेंगे। फिंगर काउंटिंग के लिए एक आई को कवर करेंगे और पेशेंट के सामने फिंगर करेंगे। अगर पेशेंट को 1 मीटर डिस्टेंस से फिंगर दिखाई देती है तो उसको नोट करेंगे फिंगर काउंटिंग एट 1 मीटर डिस्टेंस, और दोस्तों फिंगर काउंटिंग अगर 1 मीटर से भी नहीं है तो फिर उसको क्लोज लेके जाएंगे, और अगर बिल्कुल पास से अगर उसको फिंगर दिखाई देती है तो उसको हम नोट करेंगे फिंगर काउंटिंग वेरी क्लोज टू फेस। और दोस्तों इसके आगे का स्टेप है हैंड मूवमेंट। दोस्तों, अगर किसी पेशेंट को फिंगर काउंटिंग भी नहीं है विज़न तो उसको फिर हम हैंड मूवमेंट कराते हैं। अगर पेशेंट को हाथ दिखाई देता है तो हैंड मूवमेंट पॉजिटिव लिखेंगे। दोस्तों, जिस पेशेंट का विज़न हैंड मूवमेंट पॉजिटिव नहीं है तो उसके बाद हम प्रोजेक्शन ऑफ लाइट टेस्ट होता है। दोस्तों, इसमें एक आई को कंप्लीट बंद करना होता है ताकि उस आँख से पेशेंट बिल्कुल भी ना देख पाए, और प्रोजेक्शन ऑफ लाइट के लिए हमें एक टॉर्च की ज़रूरत होती है। टॉर्च डालेंगे पेशेंट के आई में और उससे पूछेंगे कि लाइट किस दिशा से आ रही है। अगर पेशेंट ये बता पाता है कि किस दिशा से लाइट आ रही है तो उसको हम नोट करेंगे पी आर पॉजिटिव। दोस्तों, उसका विज़न होता है, और सपोज किसी को ये लाइट भी दिखाई नहीं देती किधर से आ रही है, लाइट है या नहीं है, तो दोस्तों उसको हम लिखेंगे PL नेगेटिव, मीन पेशेंट टोटली ब्लाइंड। तो दोस्तों ये था कंप्लीट विजुअल एक्यूटी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।